हमारे इस टेलीविजन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने टी शर्ट पे कोई लोगो या कोई नाम कैसे प्रिंट करते हैं। आज हम अपने चैनल का जो यूट्यूब बनाया हुआ हूँ, जो मेरा चैनल का नाम है टेल मी दैट, तो वो हम एक टी शर्ट पे प्रिंट कराने जा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, तो वही हम बताने जा रहे हैं आपको कि कैसे प्रिंट करना है, वो भी ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला तो आपको जो है सो कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे कि हमारे पास दो ब्राउजर है, एक तो ये गूगल क्रोम है और दूसरा ये फायरफॉक्स है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है। ठीक है, तो हम आज ये क्रोम ओपन कर रहे हैं। आप भी कोई सा भी अपना सेलेक्ट कर लेना, और सबसे पहला उसमें मैं गूगल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और गूगल में हमें टाइप करना है विस्ता प्रिंट। ठीक है, vistaprint.com, विस्ता प्रिंट। ठीक है, ये आ गया। आप चाहे तो बिना गूगल खुले भी डायरेक्ट इस टैब में भी यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने गूगल में प्रिंट किया है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे आ गया vistaprint.in। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है और फ्री शॉपिंग अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इस पर आपको सबसे पहला जो आएगा उस पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और ये रही विस्ता प्रिंट की साइट वेबसाइट जो कि खुल चुका है। अब यदि आप चाहते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है आपको, जिस पे आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उस पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे विजिटिंग कार्ड है जिसमें बहुत सारे इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप किसी पे क्लिक करके जो है उस पे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि विजिटिंग कार्ड्स है, तो इसमें स्टार्टिंग विजिटिंग कार्ड्स पे सपोज मतलब पहला पे हम क्लिक करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या आता है। तो ये रही कुछ इस तरीके का, मतलब इस पे अगर आपका चैनल का लोगो या नाम या कुछ भी इस तरह का अगर प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे है, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे जैसे कि लेबल्स एंड स्टिकर्स, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा आपको जिसपे आप अपने चैनल का नाम या अपना कोई भी फोटो या कोई लोगो आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमें तो सबसे पहला जो है सो टी शर्ट के ऊपर करवाना है। ठीक है, मग एंड एल्बम यहाँ पे ये भी मिल जाएगा। कैलेंडर्स पे यदि आप करवाना चाह रहे हैं तो कैलेंडर पे भी मिल जाएगा, लेकिन हम प्रिंट करवाने जा रहे हैं टी शर्ट पे, तो हम इस पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे जाकर के जो बहुत सारे ऑप्शन था उसमें से पर्टिकुलर ऑप्शन पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दिए। ठीक है, और इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का हमारे सामने आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मेन्स कॉटन टी शर्ट्स। ठीक है, जिसकी नाम जो है यदि एक लेते हैं तो आप 325 रुपया पड़ेगा। ठीक है, और यदि मेंस कॉटन टी शर्ट ये कलर्स में अगर लेना चाहते हैं तो उसका 450 से स्टार्टिंग होगा एक प्राइस की। ठीक है, अगर मेंस बेसिक्स पॉलिस्टर टी शर्ट लेना है तो उसका जो है सो 250 से स्टार्ट है। तो सबसे पहले यही 250 अभी जो सस्ता है, ठीक है, इसी पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। चूंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा पैसे का ना करूँ, तो इसलिए मैं ये पहले 250 वाले पे ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और इसी पे मैं अपने जो चैनल का लोगो है वो प्रिंट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके का आया इंटरफेस, तो इसको स्लो, नेट स्लो है तो इसको हम काट देंगे। और अब हमें जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टी शर्ट है, आपको जिस टाइप में मतलब आपको प्रिंट करवाना है या कोई नाम प्रिंट करवाना है तो देख रहे हैं अलग अलग टी शर्ट है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं इस तरीके का या कुछ ऐसे, और उस पर क्लिक करके आप एडिटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस तरीके का है वही रखना है, तो आप अपने मन से भी कर सकते हैं। तो हम कोई एक टी शर्ट सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, जैसे कि ये टी शर्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये टी शर्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये खुल रहा है, नेट स्लो है थोड़ा सा, तो ये आ चुका है इस तरीके का। अब आप देख सकते हैं, आप यदि यहाँ चाहे तो अपना नाम डाल सकते हैं, चैनल का नाम डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपना लोगो डाल सकते हैं या अपना फोटो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो ये कंपनी नेम है इस पे एडिटिंग करके अपना चैनल का नाम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालते हैं, मेरे चैनल का नाम है टेल मी दैट, तो TELMEDAT। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो टेल मी दैट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब उसी तरह से अब नीचे लिखा हुआ है, इस पे भी हम इसको भी एडिटिंग करेंगे, तो इस पे क्या लिखना है तो मैं लिख देता हूं सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, यदि आप चाहे तो इसका फॉन्ट मतलब जो है किस तरीके का होना चाहिए, ये कैसा है, इस तरीके का आप डाल सकते हैं, जो मैंने इस तरीके का डाला जो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, आप इसका कलर भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ब्लैक ही रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब आपको यहाँ से चाह रहे हैं यदि इसको बोल्ड करें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लासिक कर सकते हैं, फन कर सकते हैं, तो बहुत तरीके का यहाँ पे जो है स्टाइल है। तो मैंने मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, तो क्लिक किया और इस तरीके का टेल मी दैट मैंने ये रखा। ठीक है, बोल्ड कर दिया, मतलब कैसा बोल्ड रखना है आप ये देख सकते हैं जिस तरीके का। तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये टेल मी दैट नॉर्मली सही लग रहा है, वही रहने देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का आ गया। आप यदि चाहे, ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो आप देखते हैं, जो ये सर्कल में है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पर क्लिक करें और डिलीट कर सकते हैं। तो मैं क्लिक, ये बीच वाला सबसे पहला एच जो है लिखा हुआ उसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आगे डिलीट का ऑप्शन, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। आप देख सकते हैं जो बीच से वो डिलीट हो गया। अब यदि आप ये सर्कल वाला है, आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिलीट करना नहीं चाहूंगा। ठीक है, अब डायरेक्ट जो है सो हम अपना चैनल का जो हमारा लोगो है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे डालेंगे। आप एक चीज देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट साइड है और बैक साइड है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ फ्रंट साइड पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहे तो बैक साइड पे भी कर सकते हैं, लेकिन बैक साइड का जो है सो ₹100 एक्स्ट्रा आपका चार्ज पड़ सकता है। ठीक है, तो अब मैं अपने चैनल का यहाँ पे लोगो डालता हूँ। ठीक है, तो ये रही इमेज, ठीक है, ये रही इमेज, मैंने इमेज पे क्लिक किया, ये वर्क नहीं कर रहा है थोड़ा सा दोस्तों, ये रहा। ठीक है, नीचे ऑप्शन आ गया माई कंप्यूटर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इमेज पे क्लिक किया, नीचे आ गया ऑप्शन, तो माय कंप्यूटर पर मैंने क्लिक किया। अब मैं फोल्डर में जहाँ भी मेरा चैनल का लोगो है वहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा। दोस्तों ये तो मैं लैपटॉप पे बना रहा हूँ, आप मोबाइल पे भी इजीली कर सकते हो, जिस तरीके का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उस तरह से मोबाइल में भी कर सकते हैं आप। वही वेबसाइट खोलना है आपको जहाँ पे फोटो है, उस फोल्डर से वहाँ से आपको डालना है। तो मैंने मेरा चैनल का जो लोगो है मैंने इसमें डाला है, आप देख सकते हैं ये टेल मी दैट। ठीक है, तो टेल मी दैट मैंने लिया तो वो नीचे आ गया होगा, दिखाते हैं जैसे कि आपको ये रही। ठीक है, अब यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी कि इसको पकड़ के यहाँ से लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वुड यू लाइक टू ऐड दिस इमेज टू योर डिजाइन और प्लेस द बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आ गया, ये देख सकते हैं आप इमेज। अब इसको पकड़ के नीचे लाना है, आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ये राउंड है और ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप में आ गया है, तो ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसको सबसे पहला जो है इसको भी सर्कल करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे डालूंगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये रहा, इसको डिलीट किया मैंने, मैंने इसको भी डिलीट कर देना, ये डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मैं ओनली अपना चैनल का लोगो डालूंगा यहाँ पे। तो अब चलता हूँ मैं, तो सबसे पहला अब हमें सर्कल में करना है, तो मैं जो अपना मेथड अपना रहा हूँ, तो सबसे पहला पावर पॉइंट खोलना है हमें, ये रही पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट ये खुल गया। अब मैं कोई ब्लैंक्स वाला पेज लेता हूँ, जैसे कि ये है, तो ये ब्लैंक वाला पेज है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करता हूँ, ये रही पिक्चर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मैं फोल्डर में जाऊंगा और जहाँ पे मेरी ये फोटो है, ये लोगो है, वहां से इसको उठाऊंगा, जैसे कि मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है, तो वहां से डालूंगा। अब ये रही टेल मी दैट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम सर्कल का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस तरीके का रखना है या किस तरीके का रखना है, स्क्वायर रखना है, आपकी मर्जी है जिस तरीके का रख सकते हैं, लेकिन मुझे तो चाहिए थोड़ा सा स्क्वायर चाहिए, तो मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। ये सर्कल हो गया, स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, सर्कल चाहिए। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, और ये भी अच्छा लग रहा है, शायद ये डालना चाहिए, तो मैं ये डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसको, अब आपको क्या करना है दोस्तों, दोबारा से
ये तो मतलब इधर है, यहाँ पे आ चुका है। अब चूंकि सर्कल बनाना था हमें, तो मैंने सर्कल इसको बना दिया। अब चलते हैं स्निपिंग टूल खोलते हैं, ठीक है। स्निपिंग टूल ये रही, सभी लैपटॉप में, यदि आप लैपटॉप में कंप्यूटर में आप सर्च करोगे तो स्निपिंग टूल आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसको, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ से क्रॉप कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको, सॉरी, दोबारा से इसको मैं खोलना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे स्निपिंग टूल। तो ये रही स्निपिंग टूल, ये रही, ठीक है। इतना मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ और मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ, ठीक है। डाउनलोड में मैं सेव करूँगा इसको, डाउनलोड और सेव करूँगा कृष्णा, ठीक है। मैंने तो इस तरीके का सेव कर दिया। अब जाते हैं वही वेबसाइट पे जा करके, ठीक है। अब दोबारा से हमें माय कंप्यूटर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और सबसे पहला जो मैंने डाउनलोड में डाला था उसको, तो डाउनलोड में जाऊंगा, ये रही कृष्णा नाम की जो मैंने इमेज डाला था यहाँ पे लोगो, ठीक है। अब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से लाना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आ चुका है ये, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पे जो इसका स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट नहीं, इसको जो क्रॉप किया था, तो आप देख सकते हैं जो ये व्हाइट कलर का है। तो मैं इसके जो बैकग्राउंड है उसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए सबसे पहला हमें गूगल खोलना है, ठीक है। गूगल में टाइप करना है रिमूव बीजी, ठीक है। रिमूव बीजी पे मैंने क्लिक किया और सबसे पहला मैं ये देख सकते हैं आप, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज रिमूव डॉट बीजी है, तो इस पे मैंने क्लिक करना है। आपको बीसी पे क्लिक करना है और ये रही आपके सामने अपलोड इमेज, ठीक है। दोस्तों आप ये चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो लैपटॉप पे कर रहा हूँ, मोबाइल से भी बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। तो ये मैंने जो मेरा जहाँ पे ये लोगो था वहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो देख सकते हैं अपलोडिंग, ठीक है, ये अपलोडिंग हो चुकी है। आपको ये वाला फोटो, ये जो है अभी रियल वाला है, और जो ये बैकग्राउंड हटके आया है, तो इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। और ये रही इमेज, सेव इमेज एज, ठीक है। अब इसको हमें सेव कर लेना है। मैं इसका नाम दे देता हूँ के न्यू, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो लोगो सेव हो रहा है वो PNG में हो रहा है, ठीक है। अब हम दोबारा से चलते हैं वही वेबसाइट पे, ठीक है, विस्ता प्रिंट पे। अब जो है दोस्तों हम वो फोटो लेते हैं दोबारा से, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं दोस्तों, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसको ये रही डिलीट की ऑप्शन, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये इसको भी डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से जो है, जो मैंने अभी बैकग्राउंड हटाया है वो वाला मुझे लेना है, तो के न्यू, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने लिया यहाँ पे और ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है, और यहाँ से अब हमको डालना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का आ गया है। अब मुझे इसमें एडिटिंग करना है, यानी कि इसका थोड़ा सा साइज हम बड़ा कर देते हैं। तो ये रही, इसको पकड़ के थोड़ा आप बीच में भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है यहाँ पे। अब ये 2020 है, यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये रहा टेल मी दैट, ये रहा सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। तो यदि आप इसका प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं, जो ये कैसे दिखेगा प्रिंट होने के बाद। तो यहाँ पे पहले मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ जो किस तरीके का दिखेगा ये। तो ये देख सकते हैं जो ये बीच में बिल्कुल यहाँ पे टेल मी दैट मेरा चैनल का लोगो लिखा हुआ आ रहा है, मैंने ऊपर में अपना चैनल का नाम डाला है टेल मी दैट, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है, और रिव्यू एंड परचेज, ठीक है। आप यहां से अब कर सकते हैं, आप चाहे तो बैक साइड में भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन मुझे पहली बार है तो मैं फ्रंट में ही कर रहा हूँ, ठीक है, बैक में नहीं करना है मुझे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरा एडिटिंग ओके है, ठीक है, सही है, इसलिए मैंने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आई हैव रिसीव्ड एंड अप्रूव माई डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। दोस्तों यदि आप इसमें पहले से साइन इन करके रखे हुए हैं तो आपको इस पे सिर्फ मेल आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यदि आपने पहले इस पे साइन इन नहीं किया है तो आप नया से अकाउंट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है कि नो आई एम अ न्यू कस्टमर, यस आई एम आई हैव अ पासवर्ड, ठीक है। तो आपने लॉगिन किया है तो कोई बात नहीं, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर नहीं किया है, न्यू से नया अकाउंट बनाना है,
ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। टी शर्ट का आप ये सोच रहे होंगे कि इसका साइज अभी तक नहीं बताया है, तो दोस्तों जब इसके बाद जो ये प्रोसेसिंग हो जाएगा तो इसके बाद आपको इसका साइज बताएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहला मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूँ, ठीक है, ठीक है, kshnaraj9790@gmail.com मैंने ये डाल दिया। यहाँ पे टाइटल्स हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, मिस्टर, ठीक है। ईमेल दोबारा से डालता हूँ यहाँ पे, kri gmail.com, ठीक है, kshnaraj9790, ये जो होगा यहाँ पे kshnaraj9790@gmail.com, ठीक है। फर्स्ट नेम डालता हूँ मैं, ये क्या बता रहा है, डिड यू मीन द ईमेल्स एंटर डू नॉट मैच, ये कुछ गलत हो गया शायद दोस्तों। kris@nara.aj9790@gmail, ओहो ये छूट गया दोस्तों यहाँ पे, gmail.com, ठीक है, तो gmail.com, तो ये हो गया। अब यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो मैं डाल देता हूँ कृष्णा, फिर मैं चलता हूँ लास्ट नेम में राज डाल देता हूँ। अब मुझे पासवर्ड डालना है, ठीक है दोस्तों, मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे लॉगिन कर लिया है, ठीक है, लॉगिन कर अकाउंट बना लिया अपना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आया था, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये आया है उसके बाद, ठीक। उसका अगला प्रोसीजर ये है, तो यहाँ से हमें अपने टी शर्ट की साइज लेना है, तो साइज मुझे एक्स्ट्रा लार्ज आता है तो मैं ये लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मुझे प्राइस बता दिया है 250। अगर आपको कितना लेना है, एक लेना है, दो लेना है, तो यहाँ से आप क्वांटिटी कितना लेना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक ही लेना है। और 250 जितना की बताया था, यदि हम बैक में करवाते, अगर प्रिंट करवाते तो मुझे कुछ चार्ज लग सकते थे उसके, लेकिन मैंने सिर्फ एक लिया है और फ्रंट में करवाया है, तो जो प्राइस बताया था उतना ही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मैंने साइज सेलेक्ट कर दिया एक्स्ट्रा लार्ज, नेक्स्ट कर रहा हूँ इसको। अब देखते हैं क्या अगला प्रोसीजर है, नेट स्लो है दोस्तों थोड़ा सा, ये देख सकते हैं। अब मुझे ये बता रहा है कि आप इतना ये परचेज कर सकते हैं, ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये ऐड कर सकते हैं, अगर ये पर्स टाइप में लेना चाहते हैं तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका प्राइस यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन हमें ये सब नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। तो सिर्फ हमें लेना है जो मैंने टी शर्ट प्रिंट करवाया है वही लेना है, ये स्टिकर भी बता रहा है, लेकिन मुझे स्टिकर नहीं लेना है दोस्तों। तो चलते हैं सबसे नीचे, हमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, अगर लेना है तो आप उस पर उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ लेना नहीं है, बस जो मैंने प्रिंट करवाया है टी शर्ट वही लेना है। तो इसलिए अब डायरेक्ट नीचे आना है, कुछ नहीं कर, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया मैंने, वो नेक्स्ट प्रोसीजर डायरेक्ट ये है, और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद अगर कुछ लेना है, जैसे ये लेना है तो इस पर आप ऐड कर सकते हैं, ये लेना है तो ऐड कर सकते हैं, जिसके आपको इतना प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लेना है तो इसलिए मैंने नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट पर क्लिक किए तो ये आया, और इस तरीके से आपको ये दिखा रहा है कि एक एक टी शर्ट मैंने लिया है। सो सिलेक्ट ऑप्शन क्या बता रही है, ठीक है, आइटम्स टोटल इतना दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे खोल के देख सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज मैंने एक टी शर्ट मंगाया है, वाइट फैब्रिक कलर होगा इसका, स्टैंडर्ड इंक्लूड मोर साइज, ठीक है, ₹250 हमको देना पड़ेगा इसको टोटल। अब चेकआउट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चेकआउट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, चेकआउट पे क्लिक करना है मुझे, चेकआउट पे क्लिक किया तो अब हमें ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, क्या बता रहा है, हमें जाना है पेमेंट ऑप्शन पे। अच्छा यहाँ पे दोस्तों शिपिंग का, यहाँ पे जो एड्रेस, जिस एड्रेस में मंगाना है, किसके नाम से मंगाना है वो आ रहा है, ठीक है, तो मैं वो डाल रहा हूँ, सबसे पहले अपना नाम डाल रहा हूँ कृष्णा, कृष्णा, सरनेम राज, ठीक है, कंपनी क्या डाल दूँ,
उस पर डाल देता हूँ कंपनी आई थिंक। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मैं अपना फिल कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने एड्रेस डाल दिया है, ठीक है। अब नीचे जो आ रहा हूँ तो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से हमें चाहिए। एक 25 फरवरी को आएगा, एक 26 फरवरी को आएगा, 4 मार्च को आएगा, ठीक है। तो हमें पहला इसी पे ऑप्शन पे रहने देना है। नीचे ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी आपने क्रिएट किया था वो डालना है और पासवर्ड डालना है। तो मैं डाल रहा हूँ कि ASHNARS9798@gmail.com, ठीक है। मैंने ये ईमेल आईडी क्रिएट किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी पासवर्ड है वो डाल रहा हूँ, अब मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं अब क्या आता है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ऑप्शन आया हमारा पेमेंट का ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। इसको हमें तो सेव नहीं करना है। आप यहाँ से पेमेंट मेथड कौन सा किस तरीके से करना है तो आप कर सकते हैं। मैं कोई एक चूज़ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड्स, मोबाइल। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया है कि नहीं, ये रहा, नहीं कैश कार्ड है ये, हाँ ये रहा कैश ऑन डिलीवरी। दोस्तों यदि आप कोई कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो कार्ड से कर सकते हैं, लेकिन हम कैश ऑन डिलीवरी का यदि ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है तो हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी पे सेलेक्ट किया हमने, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये क्या है। अगर यदि आपके पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो डालना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं डालना है। इस तरीके से अब इसको अप्लाई कर देना यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है, देखते हैं मेरे सामने अगला क्या ऑप्शन आता है, ठीक है। अब आपको ये दिखा रहा है, आप रिव्यू कर रहा है, ये देखिए शिपिंग एड्रेस जो है सो हमारा ये है, इंदिरा विकास कॉलोनी इतना इतना इतना, ठीक है। और बिलिंग एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, और इस तरीके का यूपी इतना हमें 250 रुपये देने पड़ेंगे, GST हमें 12 रुपया कटा है, ठीक है। तो प्लेस ऑर्डर हम कर देते हैं, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। प्लेस ऑर्डर पे हमने क्लिक कर दिया, अब देखते हैं हमारे सामने क्या ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे क्या है, चेकआउट कंप्लीट, यानी कि अब हो गया। और ये हमें कब तक आएगा, 25 फरवरी तक आएगा।